मैं सबसे पहले तो मस्के साहब को बुलाऊंगा, मस्के साहब आएंगे। वो उन्होंने पिछली बार भी बड़ा अच्छा शेर सुनाया था, तो इस बार भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो नजीब मुल्ला साहब। नजीब भाई, मस्के साहब कुछ कहना चाहते हैं आपसे। या ठिकाणी सर्व उपस्थित नजीब मुल्ला आमचा मित्र, जी मस्के साहब को सुन लीजिए। या ठिकाणी नजीब मुल्ला आमचा मित्र आहे लहानपणापासूनचा, आणि महानगरपालिकेमध्ये आम्ही विविध पक्षात वेगवेगळ्या पक्षात काम करतो। या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे मिलिंद पाटणकर आलेले आहेत, नारायण पवार आलेले आहेत, संजय वागुले आलेले आहेत, त्याचबरोबर आमच्या शिवसेनेचे सुधीर कोकाटे आहेत, त्याचबरोबर आमचा सिद्धार्थ ओवळेकर आहे, पांडे आहे, आमचा मित्र राजाभाऊ गवारे आहेत, बारटकेसुद्धा या ठिकाणी आमचे गटनेते आहेत, आणि आमचा राजू पण आहे। विविध पक्षात आम्ही काम करतो, परंतु मित्र म्हणून आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत। आणि नजीब मुल्ला प्रेम करण्यासारखी व्यक्ती आहे, मित्रत्व जपण्यासारखी व्यक्ती आहे, आणि म्हणून आम्ही नजीब मुल्लावरती प्रेम करतो आणि नजीब मुल्लाशी दोस्ती। धन्यवाद साहेब। नजीब मुल्ला आता म्हणाले, अरे एवढं जर तुम्ही जास्त प्रेम दाखवलं तर तुम्हाला पक्षातनं काढून टाकतील। मस्के साहब, हम जितने डाइस पर लोग बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मराठी समझ में नहीं आती। मैं होने वाला है, होने वाला है, सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक दोस्त जब मोहब्बतों में अपने दोस्त की तारीफ करता है तो वो किसी भी जबान में करे, वो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जोरदार तालियों से नरेश मस्के साहब का इस्तकबाल कीजिए। ईस्ट मंच पे उपस्थित सर्व महानुभव, आपको हिंदी में भी सुनाऊंगा मैं, लेकिन मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो भी मैं कोशिश करूंगा। आप तो सब बड़े बुजुर्ग है, ये शायरी में बहुत बड़े हैं। हम शायर नहीं हूँ, लेकिन सुनने की थोड़ी थोड़ी आदत है, उर्दू शायरी सुनता हूँ। नहीं नहीं, और मुझे पसंद भी है, क्योंकि उर्दू शायरी सभी लैंग्वेजों की माँ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज संगीत और गीत जितने हिंदुस्तानी भाषा में निर्माण होते हैं, उसकी जन्मदात्री उर्दू भाषा है, ये मैं मानता हूं। और इसीलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी का भी कोशिश करूंगा, जी जी। लेकिन मेरी मातृभूमि, मातृभाषा मराठी है, और मेरा दोस्त, हम लोग जब दोस्ती हुई तो मराठी में बात करते थे, हिंदी में नहीं बात करते थे। वो मेरे साथ मराठी में बात करता और मैं हिंदी में बात करता हूँ कभी कभी। इसीलिए नजीब मित्रा, ना कसले बंध ना कसली वचने, कुछ भी बंधन नहीं है हमारे दोस्ती में। अरे वाह। ना कसले बंध ना कसली वचने, मैत्री म्हणजे दोस्ती मीन्स, मैत्री म्हणजे दोन वेगवेगळ्या पक्षात असलो तरी वाढदिवसाला एकत्र भेटणे, ना कसले बंध ना कसली वचने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अभी हिंदी में कोशिश करता हूँ। थाने में तरह तरह की बातें होती है, लेकिन हमने किसी की कभी परवाह की नहीं और नहीं करने वाले। कुछ भी हो, हमारी दोस्ती कायम रहने वाली। जिंदगी के सफर में कोई मुकाम नहीं होता है, जिंदगी के सफर में कोई मुकाम नहीं होता है, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता है। जिंदगी के सफर में कोई मुकाम नहीं होता है, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता है, चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, चिरागों की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसे दोस्त मिलना आसान नहीं होता, आप जैसे दोस्त मिलना आसान नहीं होता। क्या बात है, वाह। अभी थोड़ा एक शेर आपके लिए।
मस्के साहब आपके लिए एक शेर अच्छा है, अच्छा है। अरे मेरे को शॉल में लपेट के मारने की तैयारी हो गई आप। ये तो एक रस्म है, ये तो एक रस्म है, जहाँ है जो अदा होती है, जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है, वहाँ सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। हसीन चेहरे की ये देखो, हसी चेहरे चिकना चुपड़ा अपना दोस्त है, अपने थाना में सब पोस्टर देखे कि नहीं, मुमरा कलवा में जी। मुझे तो लगा एक नया फिल्म का हीरो थाना में आने वाला है और उनका बर्थडे है। हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो, वाह। हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो, सही वर्ड्स है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ताबिंदगी। हाँ बिल्कुल, हसीन चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो, तुझे ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो, तुझे ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो। वाह, खुदा करे कि ये दिन बार बार आता रहे, वाह। खुदा करे ये दिन बार बार आता रहे और अपने साथ खुशी का खजाना लाता रहे, और अपने साथ खुशी का खजाना लाता रहे। अब एक लास्ट बोलता हूं। जी जी जी, बोलिए बोलिए। वाह वाह, बोलिए ना बोलिए। अपना दोस्त है, बहुत मेहनत से आगे गया है पॉलिटिक्स में, खुद का एक खुद को प्रूव करने के लिए उसके ताकत मिलती है। बहुत अड़चने उसके कामयाबी के रास्ते में बहुत जनों ने लाई, बहुत अड़चने बनाई, तो भी आप सबके दुआ से वो आगे चलता रहा है, वो आगे चलता रहा है। वाह, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही। काम नजीब जी, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगे भी। वाह, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगे ही, चलते रहना कि कदम रुकने ना पाए। वाह, चलते रहना कि कदम रुकने ना पाए। अरे मंजिल तो मंजिल है, एक दिन तो आएगी ही। वाह वाह, मंजिल तो मंजिल है, एक दिन तो आएगी है। बहुत को बहुत लास्ट मराठी में बोलता हूँ, एक लास्ट, सब लोग नजीब मुल्ला के लिए तालियां बजाओ। गायब गोष्ट साहेब फॉर्म मध्ये। मार्ग तुझा रोकू शकेल असा कोण जन्मलाच नाही, मार्ग तुझा रोकू शकेल असा कोण जन्मलाच नाही। याचा अर्थ समजला की नाही? कि तुझा मार्ग अडवणारा कोई मेरा रास्ता रोक सके वो पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ। मार्ग तुझा रोकू शकेल असा कोण जन्मलाच नाही, तुझा मार्ग तुला ठरवण्याचा अधिकार आहेच ना रे भाई, तुझा मार्ग तुला ठरवण्याचा अधिकारच आहे ना रे भाई। नजीब मुल्ला आप देखो, आप लोग सब उपस्थित है, तुम्ही सगळे उपस्थित आहे। मार्ग तुझा रोकू शकेल असा कोण जन्मलाच नाही, तुझा मार्ग तुला ठरवण्याचा अधिकार आहेच ना भाई। ठराव आता बुडत्या जहाजात बसायचं, ठराव आता बुडत्या जहाजात बसायचं, कि या महाराष्ट्रामधील एक झुंजार नेता म्हणून दिसायचं। ठराव आता बुडत्या जहाजात बसायचं, कि या महाराष्ट्रातील झुंजार नेता म्हणून दिसायचं। धन्यवाद नजीब मुल्ला आणि मजाला सर्व मित्रांना एक मिनिट दिवसाच्या शुभेच्छा।